जी हाँ दोस्तों, भारत ने ओडीआई वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। तो जैसे कि आप जानते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा और ये मैच 8 अक्टूबर को खेला जाएगा। तो दोस्तों, इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। और कप्तान रोहित शर्मा ने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जिनका नाम सुनते ही ऑस्ट्रेलिया टीम थर थर कांपने लग गई है। और दोस्तों, ऐसे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है जिनका प्रदर्शन थोड़ा खराब चल रहा है, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में कप्तान रोहित शर्मा अपने पहले मैच को किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं, जब भी भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो काफी टक्कर का मैच होता है, क्योंकि दोनों ही टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया ओडीआई फॉर्मेट में जबरदस्त प्रदर्शन करती हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन भूखे शेरों को भारतीय टीम में शामिल किया है। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, वर्ल्ड कप से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 सीरीज का मुकाबला हुआ था, जिसमें दोस्तों भारतीय टीम ने इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया था। यानी पहले और दूसरे मैच में भारतीय टीम ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था, पर दोस्तों तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम ने बाजी मार ली और उनके शानदार प्रदर्शन को देखकर भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। और तीसरे मैच में भारतीय टीम 66 रन से हार गई थी। और आपको ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले और दूसरे मैच में सीनियर खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, कुलदीप यादव, जिसका मतलब ये हुआ कि केएल राहुल की कप्तानी में भारत टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था और दोनों मैच अपने नाम कर लिए थे। और दोस्तों, तीसरे मैच में जब बड़े बड़े खिलाड़ियों की एंट्री हुई, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तो इसी को देखते हुए रोहित शर्मा ने ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए अपनी भारतीय टीम में कई ऐसे बदलाव कर दिए हैं, जिनको देखकर अब तो हर टीम थर थर कांप रही है। और आपको ये भी बता दें कि भारत ने अब तक सिर्फ 2 बार ही वर्ल्ड कप जीता है। पहला वर्ल्ड कप कपिल देव की कप्तानी में जीता था और दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। और उसके बाद से भारत ने एक भी वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है। और वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने अभी तक 5 बार वर्ल्ड कप जीता है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम कितने खतरनाक तरीके से खेलती है और उनके खिलाड़ी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसलिए रोहित शर्मा अच्छी तरह से जानते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में हराने के लिए भारत टीम में खतरनाक से खतरनाक खिलाड़ियों को मौका देना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले मैच में रोहित शर्मा ईशान किशन को मौका देंगे या नहीं। जैसे कि आप जानते हैं कि ईशान किशन काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 मैचों में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। और क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव को मौका दिया जाएगा? जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले और दूसरे वनडे में कमाल का प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया था। उन्होंने पहले मैच में अपने 50 रन पूरे किए और दूसरे मैच में 72 रन की पारी खेली थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की बैंड बजा दी थी। और सूर्य कुमार यादव, जिनको 360 भी कहा जाता है, वो हर तरफ अपने रन्स बना रहे थे। और दोस्तों, आपको ये भी याद होगा कि उस मैच में उन्होंने 4 बॉलों में 4 छक्के भी जड़ दिए थे। तो सूर्य कुमार यादव जिस तरह के खिलाड़ी माने जाते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस सीरीज में खेल रहे थे। तो क्या दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले मैच में मौका मिलेगा या नहीं? और अब अगर बात करें अक्षर पटेल की, तो आप जानते हैं अक्षर पटेल अभी चोटिल हो चुके हैं और इसके कारण वो 2023 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि अक्षर पटेल की जगह किस खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा। तो अब आइए जानते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा ने किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है, जिसके कारण भारतीय टीम इतनी ज्यादा खतरनाक बन चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इससे थर थर कांप रहे हैं। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज डेविड वार्नर और भारत के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव में से सबसे अच्छा बल्लेबाज कौन सा है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि भारत अपना पहला मैच ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत जाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए
तो आइए अब जानते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने के लिए किन भूखे शेरों को मौका दिया है। तो अगर हम पहले और दूसरे नंबर की बात करें, मतलब कि अगर ओपनर्स की बात करें, तो पहले और दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल को चुना गया है। जैसे कि अब जानते हैं कि रोहित शर्मा इस समय काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और अपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखी ही होगी, जिसमें रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी की थी और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था। और आपको ये भी बता दें कि रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की तरफ से 250 ओडीआई मैचेस खेले हैं, जिनमें उन्होंने अपने 10,000 रन भी पूरे कर लिए हैं और 250 ओडीआई में उनके नाम 30 शतक भी शामिल हैं। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा ओडीआई मैचेस में कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वहीं अगर शुभमन गिल की बात करें तो दूसरे नंबर पर शुभमन गिल को लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि शुभमन गिल कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं और इस समय शुभमन गिल काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और अगर शुभमन गिल थोड़ी देर के लिए क्रीज पर टिक जाएं तो वो सेंचुरी मार के ही दम लेते हैं। जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको पहले दो मैचेस में देखा है, उन्होंने पहले मैच में अपना अर्धशतक पूरा किया था और दूसरे मैच में अपना शतक भी पूरा किया। तो दोस्तों इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुभमन गिल इस समय काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। और अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर विराट कोहली को लिया गया है। आप लोग तो जानते ही हैं कि विराट कोहली कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं और विराट कोहली अभी तक 281 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने शानदार 13,000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं और दोस्तों उनके नाम 40 शतक शामिल हैं। और वहीं अगर हम इनके बेस्ट स्कोर की बात करें तो उन्होंने एक मैच में 183 रन की पारी खेली है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि विराट कोहली का ओडीआई मैचेस में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और वहीं अगर चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन श्रेयस अय्यर को चुना गया है। आप लोग तो जानते ही हैं कि श्रेयस अय्यर कमाल के बल्लेबाज हैं और अगर भारतीय टीम की विकेट गिर जाती है तो श्रेयस अय्यर आकर उस समय भारतीय टीम को संभालते हैं और वो अपनी भारतीय टीम के लिए बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं। अपने तो श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच में देखा ही होगा कि दूसरे मैच में श्रेयस अय्यर ने 90 बॉलों पर 105 रन की शानदार पारी खेली थी, जिसमें शानदार 11 चौके और 3 छक्के शामिल थे। मतलब कि श्रेयस अय्यर ने उस मैच में शानदार वापसी की है और इस समय उनकी फॉर्म एकदम लाजवाब चल रही है। और अगर हम पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर पर केएल राहुल को मौका मिला है। आप लोग तो जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से केएल राहुल चोटिल चल रहे थे, जिसके कारण वो भारतीय टीम में खेल नहीं पाए थे और इस समय केएल राहुल पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और केएल राहुल को एशिया कप में भी मौका मिला था और केएल राहुल ने उस मैच में शानदार वापसी की थी। केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में शानदार प्रदर्शन भी किया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केएल राहुल ने पहले मैच में 58 रन और वहीं दूसरे मैच में 52 रन की शानदार पारी खेली थी और भारत को जीत दिलाई थी। यानी कि केएल राहुल इस समय काफी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। और अगर हम केएल राहुल के बाद छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या को मौका मिला है। जैसे कि आप जानते हैं कि हार्दिक पांड्या भारत के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर हैं। वो खतरनाक बैटिंग करने के साथ साथ खतरनाक बॉलिंग भी कर लेते हैं और अगर कभी भी भारत को विकेट की जरूरत पड़ती है तो हार्दिक पांड्या अपनी खतरनाक बॉलिंग के साथ भारत के लिए विकेट भी निकालना जानते हैं। और वहीं अगर भारतीय टीम को रनों की जरूरत पड़ती है तो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के साथ वो भारतीय टीम के लिए रन भी बनाते हैं। और आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत की तरफ से बड़े बड़े मैचेस भी खेले हैं और इस समय हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। और अगर हम सातवें स्थान की बात करें तो सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा को चुना गया है। आप लोग तो जानते ही हैं कि रविंद्र जडेजा भी भारत के ऑलराउंडर हैं। वो खतरनाक गेंदबाजी के साथ साथ खतरनाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा भारत की तरफ से अभी तक 185 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने अपने बल्ले से 2601 रन बनाए हैं, जिसमें अभी तक कोई शतक तो शामिल नहीं है पर 13 अर्धशतक शामिल हैं। और वहीं अगर हम उनके बेस्ट की बात करें तो उन्होंने एक मैच में 87 रन बनाए थे। वहीं अगर हम इनकी बॉलिंग की बात करें तो इन्होंने अभी तक 204 विकेट चटकाई हैं। तो इस बात पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जडेजा का ओडीआई मैचेस में कितना अच्छा प्रदर्शन रहा है। वहीं अगर हम आठवें नंबर की बात करें तो आठवें नंबर पर चाइना मैन कुलदीप यादव को लिया गया है। आप लोग तो जानते ही हैं कि कुलदीप यादव एक खतरनाक स्पिन बॉलर हैं और इस समय कुलदीप यादव काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। कुलदीप यादव भारत की तरफ से अभी तक 90 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें से उन्होंने अभी तक शानदार 150 विकेट चटकाए हैं
वहीं अगर हम इनके बेस्ट की बात करें तो इन्होंने एक मैच में 26 रन देकर 6 विकेट्स भी चटकाए हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुलदीप यादव इस समय कितनी खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं। वहीं अगर हम 9वें नंबर की बात करें तो 9वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह भारत के एक जबरदस्त फास्ट बॉलर है और भारत की तरफ से अभी तक जसप्रीत बुमराह ने 70 ओडीआई मैचेस खेले हैं जिसमें से उन्होंने शानदार 126 विकेट चटकाए हैं। और वहीं अगर हम इनके बेस्ट की बात करें तो इन्होंने एक मैच में शानदार 19 रन देकर 6 विकेट चटकाए हैं। और वहीं अगर हम 10वें नंबर की बात करें तो 10वें नंबर पर मोहम्मद सिराज को चुना गया है। आपने एशिया कप का मैच देखा ही होगा जिसमें मोहम्मद सिराज ने एक ही मैच में 6 विकेट चटकाए थे। आपको बता दें कि उस मैच में मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के बल्लेबाजों को चलने का मौका ही नहीं दिया था। और आपको ये भी बता दें कि मोहम्मद सिराज इस समय ओडीआई रैंकिंग नंबर 1 पे हैं। वहीं अगर हम 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर पर हमारे भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को चुना गया है। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी ने अभी तक शानदार 171 विकेट चटकाए हैं। वहीं अगर हम इनके बेस्ट की बात करें तो इन्होंने एक मैच में 21 रन देकर 5 विकेट चटकाई हैं। और मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था और इस समय मोहम्मद शमी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो दोस्तों ये है 11 भूखे शेर जिनको भारतीय टीम में ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए चुना गया है। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई और खिलाड़ी है जिसको मौका मिलना चाहिए था उनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और क्रिकेट का आनंद लेते रहिए।